नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हसन नसरुल्ला को खत्म करने के बाद भी इसराइल ने जंग जारी रखने का फैसला किया। कल से अब तक इसराइल की सेना ने लेबनान पर कई हमले किए। उधर हिजबुल्ला ने बदला लेने का ऐलान कर दिया तो ईरान और यमन ने अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। अब सवाल है कि इसराइल और हिजबुल्ला की जंग कहां जाकर रुकेगी। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की मौत के बाद भी नहीं रुके इसराइल के हमले। दिन के उजाले में लेबनान पर गिरी इसराइल की मिसाइल। रात में भी जारी रहा इसराइल का लेबनान पर हमला। हसन नसरुल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला और ईरान के लिए आगे का रास्ता क्या है? हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने की बात कही है तो इसराइल का लेबनान पर हमला जारी है। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी जंग में आगे क्या होगा, ये तीन बड़े और बुनियादी फैसलों पर टिका है। पहला, अब हिजबुल्ला क्या करेगा? दूसरा, ईरान क्या करेगा? और तीसरा और सबसे बड़ा, इसराइल क्या करेगा? इसराइल अपने सबसे करीबी अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों के युद्ध विराम के प्रस्ताव को दरकिनार कर अपना इरादा साफ कर चुका है, लेकिन इसराइल और अमेरिका के बीच अंदर खाने क्या प्लान हो रहा है, इसकी साफ तस्वीर अभी दुनिया के सामने नहीं है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद भी इसराइल ने हिजबुल्ला पर अपना हमला जारी रखने का फैसला लिया है। IDF ने साफ कर दिया है कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्ला की तरफ से मिसाइल हमलों का खतरा दूर नहीं हो जाता। हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर इसराइल को हिजबुल्ला के हमलों के खतरे को दूर करना है तो उसे लेबनान में जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। और इसराइल की सेना ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए पैदल सेना के एक्सरसाइज के कई वीडियो भी जारी किए, लेकिन जमीन पर जंग लड़ना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि ये बात गाजा और हमास की नहीं है। लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला में आखिरी सीधी जंग हुई थी, लेकिन हिजबुल्ला ने पिछले युद्ध के खत्म होने के बाद 18 साल तक एक बड़ा समय वॉर एक्सरसाइज में बिताया। इसका मतलब ये है कि इसराइल की सेना IDF के लिए लेबनान में घुसना आसान हो सकता है, लेकिन गाजा के मुकाबले वहां से निकलने में महीनों लग सकते हैं। इसराइल के साथ संघर्ष में हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हिजबुल्ला के एक के बाद एक टॉप कमांडर मारे गए हैं। पिछले दिनों पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों ने भी हिजबुल्ला के संचार तंत्र को नुकसान पहुंचाया, जबकि इसराइल के हवाई हमलों में हिजबुल्ला के कई हथियार तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया है। उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं जिन्हें सीरिया में जंग लड़ने का अनुभव है और वो बदला लेने की बात कह रहे हैं। हिजबुल्ला के पास ईरान से मिले मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है जिसमें सटीक निशाना लगाने वाले लंबी दूरी के हथियार हैं। वो तेल अवीव और इसराइल के दूसरे शहरों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन अगर हिजबुल्ला ने इसराइल की हवाई सुरक्षा को चकमा देकर इसराइल के शहरों को निशाना बनाया तो इसराइल विनाशकारी और सबसे बड़ा युद्ध लॉन्च कर सकता है। इसके बाद इसराइल सिर्फ हिजबुल्ला को टारगेट नहीं करेगा, लेबनान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर कहर बरपा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी गूंज इराक तक पहुंचेगी और हो सकता है कि ईरान की सीधे युद्ध में एंट्री हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जंग की सबसे भीषण कहानी शुरू होगी। गाजा के बाद लेबनान पर अटैक करके इसराइल ने ये दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ
चुप नहीं बैठने वाला। यूएनजीए में इजरायली प्रधानमंत्री के तेवर से साफ हो चुका है कि इजरायल की ओर से नजर उठाने वालों को अंजाम जो है वो बेहद बुरा होने वाला है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला का हिसाब करने के बाद इजरायल रुकने वाला नहीं। आशंका यह जताई जा रही है कि इजरायल एक बार फिर से ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इजराइल का ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स। 57 साल बाद इजराइल फिर दोहराएगा इतिहास। अब इजराइल के टारगेट पर सीरिया, इराक और यमन। करीब एक साल से गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इजराइल हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडरों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। दुश्मन को चुन चुन कर मारने वाली इजरायली सेना ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब करना शुरू कर दिया है। महज 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, यानी इजराइल अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। लेकिन नेतन्याहू की फौज इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इस ऑपरेशन के तहत 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए थे और माना जा रहा है कि अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स का टारगेट सीरिया, इराक और यमन बनने वाले हैं। सीरिया, इराक और यमन टारगेट पर क्यों? यूएनजीए में नेतन्याहू की स्पीच से मिला संकेत। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर इजराइल करेगा वार। दरअसल शुक्रवार को इजराइल के पीएम जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहीं इसके संकेत मिल गए थे। नेतन्याहू ने स्पीच के दौरान दो नक्शे दिखाए, एक को दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो दूसरे को अभिशाप। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली बार मैंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें इजराइल और उसके साथ ही अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने इसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो वहीं दूसरे नक्शे को नेतन्याहू ने आतंक का नक्शा बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों नक्शों को दिखाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। दरअसल इस दूसरे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंगकर अभिशाप बताया गया था। माना जा रहा है कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो चाहता है कि ईरान खुद इस जंग में कूदे, इसलिए वो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। दशकों पुरानी है इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी। 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से जंग जीती थी। इजराइल ने शुरू किया था ऑपरेशन फोकस। करीब 100 साल पहले फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटकर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र बनाने का वादा किया था, लेकिन अरब जगत के देश इजराइल की स्थापना के खिलाफ थे। आखिरकार विवाद बिना सुलझाए 1948 में ब्रिटिश शासक मिडल ईस्ट के इस हिस्से से चले गए और इजरायली नेताओं ने 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी। इजराइल के गठन के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। करीब एक साल तक चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और जंग के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी। यहीं से फिलिस्तीनियों के लिए त्रासदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि यहूदी सेना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इसके बाद साल 1967 में दूसरा अरब इजराइल संघर्ष हुआ। 6 दिन तक चले इस युद्ध को सिक्स डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1967 से 10 जून तक इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल की। इन तीनों देशों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। इस युद्ध के नतीजों ने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल इस जंग के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल का कब्जा हो गया। यही नहीं, जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इजराइल ने छीन लिया था। और अब 57 साल बाद इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस का सहारा लेकर इराक, सीरिया और यमन के बहाने ईरान को सबक सिखाना चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले बेहद ही तेज कर दिए। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्ला के साथ साथ अब ईरान को भी छोड़ा नहीं जाएगा।
मार दिया हिजबुल्ला चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्ला का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्ला का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות C בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इजराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन दो तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्ला के सफाए को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्ला का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्ला को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्ला को मारकर इजराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्ला दुनिया को डरा नहीं पाएगा। इधर पीएम नेतन्याहू ने इजरायली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास स्टील की नसें हैं। पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में इजरायली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। हम आपको बता दें कि नसरल्ला कई बार अपने भाषणों में इजरायल को मकड़ी का जाल बता चुका था, लेकिन अब इजरायल के इसी बारूदी जाल में फंसकर वो मारा जा चुका है। हालांकि ईरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला जिंदा है, लेकिन ईरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा कि इजरायल हद पार कर रहा है, लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी दो और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है, तो हो गए कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम है, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इजराइल की तरफ मिला लिया है, इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इजराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इजराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजरायल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्ला संगठन में 32 साल से चीफ रहे नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला इजरायल से जंग कैसे करता है। इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्ला का चीफ नसरुल्ला मारा गया। हसन नसरुल्ला तकरीबन 32 साल से हिजबुल्ला का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटे के बाद ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर हिजबुल्ला का आखिर अगला चीफ कौन होने वाला है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ चुके हैं। 2 नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर सबसे आगे हैं। मारा गया हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला। अब कौन संभालेगा हिजबुल्ला की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्ला चीफ की गद्दी? हाशिम सफीदीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरल्ला की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्ला के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इसराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीदीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्ला की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीदीन का। सफीदीन हाशिम हसन नसरल्ला का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरल्ला की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्ला के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरल्ला के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीदीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हावभाव नसरल्ला से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीदीन हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्ला के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीदीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्ला चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्ला के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्ला में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफरफिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्ला के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्ला के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्ला का प्रवक्ता भी रह चुका है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्ला के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्ला के सफाए के बाद भी इसराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्ला की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्ला का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। पंजाब पुलिस के एसआईटी ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सामने आया है कि लॉरेंस ने पंजाब की जेल से नहीं जयपुर की सेंट्रल जेल से जूम ऐप के माध्यम से इंटरव्यू दिया था। क्या है पूरा मामला आपको रिपोर्ट में समझाएंगे। करीब 1.5 साल पहले देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का
एक इंटरव्यू निजी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। दो दिन तक लगातार चले इस इंटरव्यू से देश भर में सनसनी फैल गई थी। जो गैंगस्टर पिछले 11 साल से जेल में बंद है, आखिर उसने एक नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू कैसे दे दिया? इंटरव्यू के बाद पंजाब जेल पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू राजस्थान के जयपुर सेंट्रल जेल से दिया गया था। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम को पत्र लिखा, जिसके बाद जयपुर की लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक टीविचैनल को गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई द्वारा दिए गए इंटरव्यू के मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब के एसआईटी ने माना कि यह इंटरव्यू राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस विश्नोई के द्वारा दिया गया था। यह इंटरव्यू एक टीवी चैनल को जूम के जरिए लॉरेंस विश्नोई ने दिया था, और अब इस संबंध में जयपुर के लालकोटी थाना में एक मुकदमा पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज करवाया गया है। दरअसल जिस समय इंटरव्यू सामने आया था, उस दौरान लॉरेंस पंजाब के भटिंडा जेल में था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आप देखिए मारो राजस्थान में।